यूक्रेन में फंसे छात्राओं के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। वहीं परिजनों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के सलोन कस्बे के अशद कुरैशी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर उनके माँ बाप काफी चिंतित हैं। क्या नाम है? मोहम्मद असलम कुरैशी। कहाँ के रहने वाले? पश्चिमी सलोन जिला रायबरेली। यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं कौन है आपके? हमारा बच्चा है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद असलम कुरैशी। कब गए थे और क्या करने गए थे वहाँ पे? MBBS करने गया था, चौथा साल उसका करती है जी। कैसे पता चला आपको कि वहाँ बात होती थी? काल की बात हुई थी, फोन आया था और पेपर में पढ़ा, हमने देखा तो पता चला कि मार्जिन छिड़ गई है, कुछ बात होने लगी। बच्चे से पूछा हाल चाल, पूछते बताया पापा हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, हम लोग बैंकर में हैं, खाने पीने के लिए परेशानी है और हम लोग जितने भी बच्चे हैं सब बैंकर के अंदर हैं, न कहीं आ सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। ऐसा तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को है, डर ऐसा लग रहा है और यहाँ हमारे परिवार के लोग भी बहुत दहशत में हैं, परेशान हैं हमारे बच्चे को लेकर। और जितने भी बच्चे हमारे वहाँ हैं यूक्रेन में, वो सारे बच्चे सब परेशान वहाँ हैं। और हमारी सरकार से ही गुजारिश है बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाए, किसी भी तरह इनको लाया जाए। लास्ट बार आपसे कब बात हुई? ये कल बात हुई थी रात में, करीब रात में 2 बजे हुई थी। उसके बाद फिर सुबह जब हमने कॉल किया तो हमने कहा बेटा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ वो सरकार का कहा था कि हम 2 घंटे बाद गाड़ी भेजेंगे, शाम तक आएगी गाड़ी, तो गाड़ी अभी नहीं आई और अभी भी गाड़ी नहीं आई। तो हमने कहा फिर क्या हुआ, तो भैया यहाँ सब बच्चे जितने भी सब परेशान हैं, सब अंदर बैंकर के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी पहले ज़्यादा हो गई है, यहाँ तक कि कुछ नहीं बचा लोगों पास खाने पीने का। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ बच्चे फंसे हैं उन सबको यूपी में इंडिया में ला के छोड़ें और सब अपने घर घर जा अपने माता पिता से मिले बच्चे लोग। और हमारी मोदी जी और योगी जी से ही गुजारिश है जल्द से जल्द उनको लाने की कोशिश करें। आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को।